पूर्णिया के 22 अनुमंडल में बाढ़ को लेकर सरकारी आंकड़े भी सामने आने लगे। 62 पंचायत के 1.25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 22 के स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में पानी होने के कारण सड़क किनारे पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। लोग पानी की धारा के सामने लाचार दिख रहे हैं। जी पानी घुसी हुई है, लेकिन हम लोग हॉस्पिटल के अपोजिट साइड में पूरा कैंप लगा के काम कर रहे हैं। बाढ़ के लिए और क्या क्या व्यवस्था है? बाढ़ के लिए पूरा व्यवस्था किया गया है, दवा सब अवेलेबल प्रचुर मात्रा में किया गया है। हाइड्रोजन की गोली जैसे हो, ब्लीचिंग पाउडर हो, और सांप काटने का दवा हो, कुत्ते का काटने का दवा हो, सब अवेलेबल मेरे पास है। फिलहाल तो आज तो 253 मरीज दिखा गया है, प्लस इसमें सब कट्टा 335। आम दिनों से ज़्यादा है? आम दिनों से बेसी। कितना ज़्यादा है? आम दिनों से कम से कम 100 प्लस रखिए। क्या नाम है? डॉक्टर अहमद हसन। अमौर के बाढ़ नोडल अधिकारी की माने तो सभी जगह नाव, एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ सामूहिक किचन और चलंत मेडिकल टीम काम कर रही है। बाढ़ की स्थिति तो 2500 पंचायत में पानी फैला हुआ है, लोग त्रस्त हैं। जगह जगह पे मतलब हमारी टीम विजिट कर रहे थे, यह मुआयना भी कर रही है, अलर्टनेस चेतावनी भी दिया जा रहा है कि जहाँ शिविर का आयोजन किया गया वहीं पे जो है कि उन लोगों को आना दिया गया है, खाने पीने का व्यवस्था किया गया है। अभी यहाँ 74 जो है सामुदायिक किचन का जो है कार्यरत है, जहाँ पे जो है खाने की व्यवस्था सभी जो चारों तरफ तबाही का मंजर, लोग ऊंचे स्थानों में जाने की जद्दोजहद में लगे हैं। बड़ी मुश्किल से लोग साल भर में तिनका जोड़कर अपना आसियाना तो बनाते हैं, पर बाढ़ सब कुछ बर्बाद कर लोगों को खाने का मोहताज बना देता है। किसी तरह जान बचाकर लोग ऊंचे स्थानों पर तो आ गए हैं, पर भविष्य की चिंता से बाहर शायद ही आ पाए। साढ़े 3 बजे रात को हम लोग केला का गाछ काट उट करके बच्चा को लेकर के वहाँ से भागे थे। उसी रात में बारिश हुआ था, उसी रात में बाढ़ भी हुआ। इतना बाढ़ बढ़ा कि मतलब आदमी भागना मतलब मुश्किल हो गया था, माल जाल तो कहीं भांस गया सर। फिर खाना पीना कैसे हुआ जब आप लोग आए? यहाँ आए तो भूखे थे सर, रात में सर हम लोग कुछ नहीं खाए थे, हम लोग यहीं पर भूखे थे। कम्युनिटी किचन कब से चलाया गया? तो वो तो परसों से चलाया, परसों से चल रहा है सर। मोबाइल बेच के आप बता रहे हैं? जी सर, मोबाइल बेच करके जब कोई गुजारा नहीं चलने लगा तो सोचने लगे कि सर बच्चे को कैसे खिलाएंगे, तब 1000 रुपए में मोबाइल बेच करके तब खिलाए हम खाना पीना। कितना बच्चा है? 4 बच्चा है सर। लेकिन कोई देखने वाला नहीं था? नहीं सर, कोई प्रशासन नहीं आ रहा था। बोली बोली हम लोग को कोई जांच पड़ताल के लिए नहीं आ रहा था। दूसरा दिन आया तो बोलता है ये लोग तो बारिश का पानी में है, कोई परेशानी नहीं है ये लोग को। क्या नाम हुआ आपका? बादल कुमार हरिजन। कहाँ से आए? सिरोटोल, सिरोटोल गांव से। घर में बाढ़ से 16 पंचायत एकदम ध्वस्त हो चुका, रास्ता कहीं नहीं है कहीं भी जाने के लिए। यहाँ पर जो प्रशासन, जो हमारे सीओ साहब है और भी एडीएम साहब आए, यहीं रोहटा तक महदूद रह गए और इलाके में नहीं गए। गांव में जाके देखेंगे बाढ़ कैसा है, तो बाढ़ की स्थिति का जायजा मिलेगा ना। लोग कह रहे हैं कि आंशिक होगा, नहीं, हमारे प्रखंड में पूर्ण रूप से क्षति है। पूरे 16 पंचायत में कनकई नदी है, महानंदा है, दास है, परवान है, सभी नदियाँ नेपाल से जुड़ करके सभी बाढ़ की स्थिति में, पूरा किसान बर्बाद हो गया है यहाँ पर। आप लोग जो यहाँ जमा हुए हैं किस मांग को लेकर? हम लोग जमा हुए हैं कि यहाँ पर किसान को
फसल क्षति मिले और जीआर की राशि बढ़ाया जाए। पिछले 2017 में 6000 की राशि मिली थी, लेकिन जो 6000 से कुछ होने वाला नहीं है। सभी का घर ध्वस्त हो गया 16 पंचायत में। पूर्ण रूप से एकदम क्षति मिलना चाहिए यहाँ पर।